स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेस में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के कुछ आंकिक प्रश्न। जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 11 के आंकिक प्रश्न कर लिए थे। बाकी जो भी छोटे मोटे जो भी उदाहरण बचते हैं या भी जो भी मतलब आपके जो निबंधात्मक या वगैरह जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बचते हैं उनको आप कर लेना। अगर कोई डाउट है तो फिर आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसमें डाउट है, आपका डाउट है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज का जो चैप्टर नंबर 10 है उसका जो सबसे पहला जो आंकिक प्रश्न है वो है आंकिक प्रश्न नंबर 30। कौन सा है? 30। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो चैप्टर नंबर 10 का जो विद्युत धारा है उसका 30वां जो आंकिक प्रश्न है वो है, देखो कि 1 ओम 2 ओम वे 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम वे न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध है। ये क्या है? 3 प्रतिरोध है। ये क्या है भाई? ओम है, इसका मतलब ये क्या है? प्रतिरोध है। हमारे को बोला गया है कि इनका संयोजन करना है। क्या करना है? इनका संयोजन करना है, और संयोजन करने के पश्चात हमारे को अधिकतम प्रतिरोध लेना है और एक बार हमारे को न्यूनतम प्रतिरोध लेना है। अब पहले बात कर लेते हैं प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, वैसे पढ़ा रखा आपको सारा, फिर भी बता देता हूँ। प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में आने वाली बाधा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक होता है आपका श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम का मतलब एक श्रेणी में होना। मतलब प्रतिरोध इस प्रकार से एक श्रेणी में, मतलब एक तार के अंदर जोड़ देना। एक तार था हमारे पास में, यहाँ से बीच में से कटा, ठीक है, और यहाँ से एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ से भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ से भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया, और ये क्या हो गया हमारा श्रेणीक्रम में संयोजन। ठीक है, एक होता है आपका समांतरक्रम संयोजन। देखो यहाँ पर बना बता देता हूं मैं। एक होता है, एक तो ये हो गया आपका श्रेणीक्रम संयोजन, और एक होता है आपका समांतरक्रम संयोजन। ये हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी यहाँ पर, इसका मान लेते हैं वोल्टेज भी है। ये प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, तो ये श्रेणीक्रम संयोजन हो गया। एक होता है हमारा समांतरक्रम संयोजन। तो समांतरक्रम संयोजन में क्या होता है? समांतरक्रम संयोजन में जो एक तार था वो एक तार नहीं रहेगा, उसमें एक और अन्य तार जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मतलब होता है आपका यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम समांतरक्रम संयोजन। इस संयोजन को हम क्या बोलेंगे? समांतरक्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, ये मान लो R1 और R2। अंतर क्या है इनमें, किस प्रकार से ये भिन्न है? तो देखो प्रतिरोधों का पहले बात था संयोजन करते हैं क्यों है, किस लिए आवश्यकता पड़ी प्रतिरोधों के संयोजन की? प्रतिरोधों के संयोजन की इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि हम प्रतिरोध है उसको बढ़ा सके या फिर उसको क्या कर सके? कम कर सके। ठीक है, इसीलिए प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता पड़ती है भाई, वही तो मेन चीज है हमारे पास। मान लो हमारे पास 2 प्रतिरोध है और उन 2 प्रतिरोधों को हमारे को एक साथ काम में लेना है, तो हम किस प्रकार से उनको जोड़े कि प्रतिरोध ज्यादा हो जाए या कम हो जाए? ठीक है, मान लो 2 प्रतिरोध है तो हमारे को किसी जगह पर ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो उनको कैसे जोड़े कि ज्यादा प्रतिरोध मिले और उनको कैसे जोड़े कि हमारे को कम प्रतिरोध मिले? ठीक है, तो उसी लिए यहाँ पर यह संयोजन किया गया है। अब मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पर अगर जो वोल्टेज रहता है वो आपका क्या रहता है? यहाँ पर V1 होता है, यहाँ पर V2 होता है। ठीक है, चेंज हो जाता है, अलग अलग रह जाता है, लेकिन धारा आपकी क्या रहती है? आई रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि भाई एक तार है तो एक धारा जाएगी, आई धारा जाएगी, तो सीधी सी बात है आई धारा जाएगी। तो यहाँ पर आप पहले यहाँ पर चेक कर सकते हो जो V वोल्टेज था वही किसमें बन रहा है? V1 प्लस V2 बन रहा है ना। अब यहाँ पर ओम का नियम लगा तो V बराबर होता है IR, होता नहीं होता है? तो यहाँ पर V बराबर IR, V1 की जगह क्या हो जाएगा? I तो चेंज नहीं होगा, I1 तो करूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर धारा क्या रहेगी? I, तो ये रहेगी। कहने का मतलब जो ओम का नियम है ना, V बराबर IR, उसमें से एक चेंज होगा, प्रतिरोध तो चेंज नहीं होना है, चाहे दोनों में होगा, लेकिन वोल्टेज और धारा में से श्रेणीक्रम में धारा आपकी क्या रहेगी? समान रहेगी, इसलिए वोल्टेज चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज कर दिया, प्लस का I R2, तो यहां से क्या हो गया? I को कॉमन ले लो तो I कैंसिल हो जाएगा, तो I R बराबर R1 प्लस R2। इसमें देखो तो यहाँ पर वोल्टेज भी, यहाँ पर भी, V यहाँ पर भी, लेकिन धारा यहाँ पर I आएगी, 2 किस्म बढ़ जाएगी, एक I1 में और एक किस्म दे जाएगी I2 में। ठीक है, ऊपर वाला R1 लिया तो उसको I1 कर देते हैं, I2 में से लिखी धारा चेंज होगी इस बार, तो यहाँ पर धारा लिख दो, I बराबर क्या होगी? I1 प्लस का I2। तो यहाँ से ओम का नियम लिखो, ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर V बटा R, तो यहाँ पर चेंज कौन है? V तो समान है, तो क्या हो गया? R1 बराबर V बटा R2 प्लस V बटा R1, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया? V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2। तो यहाँ से V कॉमन ले लो तो 1/R बराबर क्या आ गया? 1/R1 प्लस R2। अब हमारे को बोला है कि न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोध कब मिलेगा? तो जब भी प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन होगा ना, तब हमारे को अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा।
क्या मिलेगा? अधिकतम। क्यों? क्योंकि मान लो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या वैसे तो जोड़ना तो ये ना, तो इसका मतलब 2 + 3 तो कितना आया 5 ओम। तो ये देखो श्रेणी क्रम में हमारे जो भी प्रतिरोध प्राप्त होता है बाद में लास्ट में वो क्या होता है, इन दोनों से ज्यादा होता है ना, तो इसका मतलब ये अधिकतम के लिए होगा। ये क्या होता है आपका जब भी जो समांतर क्रम संयोजन रहता है वो किसके लिए काम आता है, न्यूनतम के लिए। जब न्यूनतम हमारे को ना प्रतिरोध कैसे, मान लो ये 2 ये 3 का है तो कितना आ गया, ये आएगा आपका 1/2 + 1/3। जैसे लो कितना आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया 3 + 2 मतलब कितना आ गया 5/6। और ये तो 1/r का मान है, r का मान निकालो, r क्या हो जाएगा आपका 6/5, तो कितना आएगा 6/5। अब इसका जो मान आएगा ना 6/5 का वो कितना आएगा आपका 1 point something आएगा, 1 point something आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 ओम यहाँ पर 3 ओम, तो इसका मतलब ये जो लास्ट में संयोजन के पश्चात हमारे को ज्यादा प्रतिरोध मिला या नहीं मिला ना, कम मिला ना, इसका मतलब ये क्या आपका न्यूनतम है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से वो समझना है, और इस पर पूरा वीडियो बना रखा है, आपको अगर कहीं डाउट है तो वीडियो जाके आप देख लो। तो हमारे को बोला है क्या कि इस इन 3 प्रतिरोधों के संयोजन से हमारे को क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम है वो क्या करना है, हमारे को प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात होगा। मतलब अधिकतम के लिए हम क्या कर देंगे, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम इनका क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आपको देखो अच्छे से करना है, मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमारे को करना पड़ेगा श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो क्या आएगा, एक सॉरी सीधे ही आर बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3। ठीक है, आपको डायग्राम भी बनाना है इस प्रकार से, ये वाला। ठीक है, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 6 ओम आ गया अधिकतम। अब यहाँ पर अगर न्यूनतम चाहिए तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम इसका करेंगे समांतर क्रम संयोजन, तो 1/r बराबर कितना हो डायग्राम में बनाना है, 1/r बराबर हो जाएगा 1/1 + 1/2 + 1/3, कितना आ गया जैसे 6 + 3 + 2 कितना आ गया 6, 5, 11, तो 11/6 उल्टा कर दो तो r बराबर हो जाएगा 6/11। ठीक है, तो ये आ गया अधिकतम 6 ओम और न्यूनतम आ गया 6/11 ओम, ये आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी हम अगला जो अंक की प्रश्न है वो करते हैं। अगला आखिरी प्रश्न है 31, 31वां अंक की प्रश्न है, उसको हम करते हैं। देखो अगला अंक की प्रश्न क्या है, 31वां करते हैं। 31वां में क्या है कि एक चालक तार में 10 मिली एम्पीयर की, मतलब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आपकी, 10 मिली एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। तो मैं यहां पर आई बराबर लिखूंगा 10 मिली एम्पीयर। ठीक है, अब देखो ये कोई एसआई मात्रक नहीं है, ये जो मिली एम्पीयर है वो एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक धारा का क्या होता है, एम्पीयर होता है, इस वजह से हमारे को इसको चेंज करना पड़ेगा। आगे पढ़ देते हैं, क्वेश्चन में क्या देखा है कि धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 25 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मतलब एक तार है, उस तार के अंदर क्या किया गया है, उस तार के अंदर है वो 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई है, तो उसके सिरों के मध्य, ये 2 ही सिर होंगे यहाँ पर, तार है तो 2 ही सिर होंगे, कितना वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, पच्चीस वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आपको ज्ञात क्या करना है, चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब सीधा यहाँ पर तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, V बराबर क्या होता है आपका IR, यहाँ से आपका निकलेगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I, तो यहाँ से R बराबर V, V का मान क्या, V का मान है 2.5 वोल्ट, I, I का मान हम सीधा 10 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या ऐसे मात्रक नहीं है, तो फिर बदले कैसे ऐसे मात्रक, ये क्या है, ये मिली है, और मिली के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, (10⁻³). ठीक है, कैसे भाई, 1 एम्पीयर है वो 10⁻³ मिली एम्पीयर के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 1 एम्पीयर है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, देखो 1 जो मिली एम्पीयर है ना वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पीयर के बराबर होता है, 1 मिली एम्पीयर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पीयर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है, यहाँ पर 1 मिली हो गया, 1 जब भी मेगा आ जाए, इसका मतलब 10⁻⁶ एम्पीयर के बराबर हो गया, 1 नैनो आ जाए, तो इतना तो आपके नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 10⁻⁹ आ जाता है, 1 नैनो आए तब माइनस आ जाएगा, मेगा आएगा तब प्लस का आएगा। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पीयर आ जाए, माइक्रो आता है तो 10⁻⁶ एम्पीयर आता है, इस प्रकार से। तो ये दो थोड़ी बहुत आपको बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 10 मिली एम्पीयर आए, इसका मतलब मेरे क्या करना पड़ेगा, 10 1 मिली, इसको मैंने बोला है जब भी चेंज करना तो इसको 1 से गुणा कर दो, 1 से गुणा करोगे तो ये 1 मिली और 1 मिली एम्पीयर बराबर कितना होता है 10⁻³, तो इसको गुणा कर दो 10⁻³ एम्पीयर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 10⁻१, तो ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 10⁻²एम्पीयर, और यहाँ पर 10⁻², ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा आपका 100, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक तो पॉइंट हटा देगा तो कितना आ जाएगा 20
सॉरी कितना आ गया आपका, 100 था ऊपर चला, 10 की पावर 2 था ऊपर चला गया, 100 हो गया और गुणा हो गया 10, तो कितना आ गया 25, तो मतलब आ गया आपका 250। ठीक है, तो ये आ गया आपको, देख लेते हैं एक बार आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका ये वाला। हाँ सही आ रहा है, कितना आ रहा है 250 है और आंसर आ रहा है, तो ये हो गया आपका 2100 आंकिक प्रश्न। अब देखो चलो अगला आंकिक प्रश्न करते हैं, कौन सा अगला अंक प्रश्न आपका 32। ठीक है, तो 32 अंक प्रश्न करते हैं, देखते हैं उसमें किस प्रकार से करेंगे हम 32। ठीक है, तो देखो क्या है, निम्न परिपथों में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, सॉरी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहां पर देखो डायग्राम जैसे तरह का आपको वैसे वैसे बनाना है, यहां पर आपको देखो पॉइंट भी दे रखे हैं ए और बी, फिर यहां पर इस प्रकार से दे रखा है और ये आपका 2 ओम का दे रखा है, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। ठीक है, पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए वे बी के मध्य। कैसे ज्ञात करें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध करने का मतलब जब भी नाम तुल्य प्रतिरोध है इसका मतलब हमारे को प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम या समांतर क्रम संयोजन करना है। ठीक है, यही बात दिमाग में आनी चाहिए ना, तो यहाँ पर प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम और समांतर क्रम कैसे करेंगे कैसे, तो उसके लिए देखो आपको जब भी कुछ दिया जाएगा ए वे बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो या फिर इस नीचे दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो ऐसा बोल दिया जाए, तो आपको सबसे पहले ढूंढने हैं 2 पॉइंट। पॉइंट करने का मतलब आपको 2 बिंदुओं के मध्य, तो ये ज्ञात करोगे ना आप, 2 जो बिंदु होंगे उन्हीं के मध्य आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर देखो एक दीर्घ है आपको ए और एक दीर्घ है बी, ये दीर्घ ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी 2 आपको बिंदु दे रखे, इन्हीं के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो ए और बी के मध्य एक तार लगा है, लगा ना ए और बी के मध्य ये एक नीचे तार लगा है जिसमें कितने ओम का प्रतिरोध है 2 ओम का। अब यहाँ ऊपर देखो यहाँ से ए से तार निकला 2 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है आपको, नहीं दे रखा है परिपथ के अंदर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये एक तार है, इस तार को बस ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, हम इसको मर्जी चाहिए इसको तार को हम कैसे भी घुमा सकते हैं भाई, हमारी मर्जी है, जब तक ये पॉइंट नहीं है ना, जब तक ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है ना, तब तक हम इस तार को कैसे भी घुमा सकते हैं। इसका मतलब मैं इस 2 ओम को क्या करूं, इस 2 ओम को मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पर इस प्रकार से, और ये 2 ओम वाला है ना इसको प्रतिरोध को यहाँ पर लगा दूंगा, इसको इस 2 ओम को भी क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा तार है, तार को हम कैसे भी घुमा सकते हैं, ए और बी के मध्य ये एक पूरा एक ही तार है, इस वजह से यहाँ पर ये इसको हम कैसे भी घुमा सकते हैं। अब एक पूरा तार है तो यहाँ पर देखो यहाँ से धारा जाएगी, आप धारा भी चेक कर सकते हो कि यहाँ से ए पॉइंट से आप ए पॉइंट से आगे एक तार लगा दो, फिर यहाँ से आप धारा आएगी तो यहाँ पर I1 और I2 जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों समांतर क्रम है, लेकिन यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो कि 2 प्रतिरोध लगे। अब ये किसमें है, ये आपके श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हम क्या कर देते हैं सीधे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, मैं सीधा ही कर रहा हूँ आपको तो वैसे पूरा करना है, कितने हो जाएंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 ओम, तो ये 4 ओम जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके 4 ओम, करना कैसे आपको मतलब जब भी करते हो तो ये 2 प्रतिरोध लगा रहेगा, इसको आप ये यहाँ पर दो पहले परिपथ में तुल्य मतलब पहला परिपथ है श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2+2 बराबर आर बराबर हो जाएगा आपके पास में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप आर की जगह कुछ आर डैश दे दिया करो ताकि वो मतलब जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो आर मिले आपको। तो यहाँ पर हमने कितने ओम का प्रतिरोध लगा दिया, 4 ओम का प्रतिरोध है वो लगा दिया, कितने ओम का 4 ओम के प्रतिरोध लगा दिया। अब देखो 4 ओम और 2 ओम, अब यहाँ पर देखो 2 ही तार बचे, 2 यहाँ पर प्रतिरोध है किसमें आपके समांतर क्रम में, तो सीधा इनको क्या कर दो 1/r बराबर 1/4+1/2 कितना हो जाएगा, जैसे लेस आ जाएगा मेरे हिसाब से 4, तो 1+2 तो मतलब कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना आ गया आर बराबर भाई ये तो 3 है 1/r का मतलब मैं r का मान चाहिए क्या 4/3 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना है आपका आर तुल्य, ये लिख दिया करो तो आर तुल्य आ गया आपका 4/3 ओम। चेक कर लेते हैं सही है या फिर गलत है, गलत है तो देखते हैं फिर 4/3 ओम आ रहा है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा पहला, तो आपको बस करना क्या है जैसे भी डायग्राम दिखे कैसा भी डायग्राम दिखे आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना है, बस आपको चेक करते जाना है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में, पहले श्रेणी क्रम वालों को है वो आप सॉल्व किया करो ताकि फिर मतलब आपको आसानी हो जाए, और पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व करना चाहिए नहीं तो फिर वो समांतर क्रम वाला सॉल्व नहीं होगा। अब देखो अगला जो बी दे रखा है वो देखते हैं, यहाँ पर बी में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है, फिर यहाँ से एक प्रतिरोध लगा दिया 2 ओम का, यहाँ पर फिर एक प्रतिरोध लगा दिया 2 ओम का, ये बी पॉइंट, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर एक प्रतिरोध और ये बी पॉइंट, ये 2 ओम 2 ओम और ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ए और बी है, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी परिपथ दिया जाए तो आप दो पॉइंट ढूंढो, ठीक है, दो बिंदु ढूंढो, ए और बी देगा, मतलब ए और बी है उन्हीं के मध्य हमारे को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी के मध्य देखो ए और बी पॉइंट है, इसके दो ऐसे तार बढ़ा दो, अगर नहीं बढ़ाते तो भी कोई बात नहीं, ए पॉइंट से वो आपके दो तार निकल रहे, इनको तार लेके आप समझा करो, ठीक है, क्या ये तार है, तो ए से दो तार निकल रहे, बी से भी दो तार निकल रहे। अब ये जो ए से और बी से तार निकल रहा है वो एक ही है, नीचे वाला एक है ना, इसको मतलब मैं इसको गोल क्यों बनाऊं, भाई गोल क्यों बनाऊं, मैं इसको ऐसा भी तो बना सकता हूं, ये ए पॉइंट लिखा, ये बी पॉइंट लिखा, और इसको मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, यहां पर ये एक प्रतिरोध लगा दिया, ये एक प्रतिरोध लगा दिया, भाई ये इस नीचे वाले तार में इसमें तार में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, इसको गोल कर रखा है, इसको ऐसे कर दिया, भाई तार को आप कैसे भी घुमाओ ऐसे थोड़ी है, उसके अंदर गोल करने से ज्यादा धारा बहेगी या कम धारा बहेगी, ऐसे थोड़ी होता है, तो तार है तो तार को आप कैसे भी घुमा सकते हो, वैसे आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपका दो अंक आ गया, ये दो अंक आ गया, फिर ऊपर वाला भी वही सेम बात, यहाँ पर भी इसको आप ऐसा कर सकते हो। अब इसमें आप देखो, इसमें आप क्या देखोगे, यहाँ पर धारा आपकी आई वन जा रही है, ए पॉइंट से निकालोगे तो यहाँ पर धारा आई टू जा रही है, तो यहाँ पर देखो पूरी दोनों आपकी इन दोनों प्रतिरोध में से आई वन जा रही है, आई वन जा रही है, इसका मतलब दोनों श्रेणी क्रम में, ठीक है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में तो सीधे जोड़ देते हैं, कितने हो जाएंगे, टू टू कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे, तो ये हो गए फोर ओम, यहाँ पर भी सीधे जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, फोर ओम हो जाएंगे। तो अब ये किस में आगे, समांतर क्रम में आगे, भाई दिख रहा है ना, इसमें से धारा आई वन, इसमें से धारा आई टू, इसका मतलब चेंज है समांतर क्रम में, तो यहाँ पर कर दो एक बटा आर बराबर कितना हो जाएगा, बटा फोर प्लस एक बटा फोर, कितना आ गया, जैसे चार आ गया, एक प्लस एक बटा कितना आ गया, दो बटा चार, तो मतलब एक बटा आर बराबर आ गया, ये कितना दो, एक बटा दो हो गया, उल्टा कर दो कितना हो जाएगा आपका, उल्टा कर दो हो जाएगा दो ओम, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, टू ओम आ रहा है, चेक कर लेते हैं कितना है, हाँ टू ओम ही आ रहा है, कितना ओम आ रहा है, टू ओम आ रहा है। चलो अभी देखते हैं अगला जो हमारा है, तो सी, ठीक है, कौन सा है सी, तो सी करते हैं, देखो यहां पर आपको एक ए पॉइंट दे रखा है, फिर यहां पर इस प्रकार से एक प्रतिरोध निकला है, प्रतिरोध, फिर यहां पर बी पॉइंट, यहां पर दो ओम, सारे कितने हैं आपके, दो ओम के प्रतिरोध है, ठीक है, आपको इनके मध्य क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ए और बी पॉइंट को ऐसे दे दिया, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, आप ए और बी पॉइंट को लो, आप ए और बी पॉइंट को एक सीधी लाइन में लिखो, मतलब एक सीधी यहाँ पर ऐसे ऐसे रखो, यहाँ पर ये ए और बी, ठीक है, अब ऐसे देखो, ऐसे एक तार निकल रहा है, ये तार निकाल दिया हमने, एक प्रतिरोध लगाया, फिर ऐसे घुमा के एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, फिर आगे जो यहाँ पर कोई बिंदु, मतलब आपका पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी बिंदु नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपका एक ही तार है, बस इसको मोड़ रखा है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा एक आपका दो ओम का प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर भी ये दो ओम था, और फिर ये तार किससे जुड़ा है, बी से, तो इसको बी से जोड़ दो, नीचे वाले पाओ, ए से फिर से एक तार निकला, ये निकल रहा तार, फिर दो ओम का प्रतिरोध जुड़ रहा है, ये दो ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर भी आपका कोई मतलब यहाँ पर बिंदु नहीं दे रखा है, इसका मतलब एक तार है, फिर आपका कितना है, ये दो ओम का प्रतिरोध निकल रहा है, और फिर ये तार किससे जुड़ रहा है, बी से जुड़ रहा है, तो ये देखो आपका बन गया, ये तो सेम एज इट इज, वैसे जैसे पहले हमने एक किया था उसी प्रकार से हो गया ना आपका, कितना हो जाएगा ये दो दो, कितना हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना ओम का प्रतिरोध हो जाएगी, ये फोर ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फोर ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, जब इसका आप करोगे एक बटा आर बराबर एक बटा फोर प्लस एक बटा फोर, तो कितना जाएगा आर बराबर हो जाएगा टू ओम, कितना हो जाएगा आर बराबर टू ओम, ठीक है, तो चलो कितना आंसर है दो ओम आ रहे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो इसका अगला जो डी है वो आपको खुद से अपने आप से करना है, और बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे।